इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया। लखनऊ पीजीआई में वो भर्ती थे जहां पर उन्होंने आखिरी सांस ली। यूपी के दो बार मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह का निधन हुआ है। लखनऊ पीजीआई में उन्होंने आखिरी सांस ली। काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। राजस्थान के राज्यपाल रहे दो बार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में न सिर्फ पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया बल्कि अलग अलग स्तर पर, सामाजिक स्तर पर भी वो लगातार काम करते रहे। महिला सशक्तिकरण हो या फिर विकास का कार्य हो, राम मंदिर मुहिम हो या फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की बात हो, कल्याण सिंह हर जगह रास्ता बनाकर आगे चलते रहे और अपने साथ पूरी पार्टी को वो उत्तर प्रदेश में लेकर चलते रहे। कल्याण सिंह जिनसे प्रधानमंत्री समेत तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी बात और मुलाकात होती रहती थी। आखिरी वक्त में जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे पीजीआई लखनऊ में, उस वक्त भी उनसे मिलने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना कार्यक्रम, अपना दौरा रद्द करके पहुंचे थे। दो बार आज ही मिलने के लिए उनसे पहुंचे। इस वक्त हमारे साथ रामविलास वेदांती जी जुड़ गए हैं जो राम जन्मभूमि मुहिम में उनके साथ रहे और पूरे संघर्ष को उन्होंने अपनी आंखों से देखा। वेदांती जी, आज कल्याण सिंह जी को किस तरीके से आप लोग याद कर रहे हैं, उनकी भूमिका राम जन्मभूमि विवाद में या फिर उत्तर प्रदेश के विकास में? देखिए, कल्याण सिंह की भूमिका उत्तर प्रदेश के विकास में सबसे प्रथम थी। कल्याण सिंह जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद उत्तर प्रदेश की नहरों को सड़क में बदल दिया। जो नहरें खाली पड़ी थी उन नहरों की पटरियों को सड़क के रूप में बदलने का काम सबसे प्रथम माननीय कल्याण सिंह जी ने किया था। श्री राम जन्मभूमि न्यास को राम जन्मभूमि की जमीन देने का काम भी कल्याण सिंह ने किया था। जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे उसी समय 67 एकड़ भूमि राम जन्मभूमि न्यास को उन्होंने समर्पित किया था। और जब ढांचा टूट रहा था उस समय भी कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। यदि कल्याण सिंह मुख्यमंत्री न होते तो किसी कीमत पर उस ढांचा को, उस खंडहर को तोड़ा नहीं जा सकता था। कल्याण सिंह का बहुत बड़ा सहयोग था राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए। राम जन्मभूमि आंदोलन की जब बैठक होती थी तब भी कल्याण सिंह जी, मैंने देखा 84 में 85 में 86 में 87 में 88 89 में 90 तक जहां जहां बैठकें हम लोगों की पूरे देश में होती थी सब जगह कल्याण सिंह जी उपस्थित रहते थे। और अयोध्या में दिगंबर अखाड़ा में मुझे याद है परमान जी के आश्रम में पूज्य महंत वेदनाथ जी, पूज्य नित गोपाल दास जी, जगत गुरु शंकराचार्य जी, स्वामी सत्यनंदानंद गिरी जी, अवधेशानंद जी, आचार्य गिरिधर किशोर जी, हम सब लोग एक साथ बैठते थे जिसमें कल्याण सिंह जी भी आते थे। कल्याण सिंह ने जो रणनीति तय किया था उस नीति के आधार पर माननीय अशोक सिंघल जी ने, आचार्य गिरिधर किशोर जी ने, पूज्य महंत वेदरा जी ने काम करना शुरू किया था। और हम सब लोग ये चाहते थे कि कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने जो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार हो। और हम सब लोगों की भावनाओं के अनुसार जब 1991 में भाजपा की प्रथम सरकार बनी तो कल्याण सिंह बहुमत से मुख्यमंत्री बने जी। और मुख्यमंत्री बनने के बाद कल्याण सिंह जी बाई प्लेन अयोध्या नहीं आए, बाई कार आए, जनता के बीच में सबसे मिलते हुए अयोध्या आए, जानकी महल में रुके, हजारों लाखों की भीड़ पूरे रास्ते भर कल्याण सिंह का स्वागत करती रही, सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 11। करोड़ों लोग कल्याण सिंह जी से के निधन से क्षुब्ध है, दुखी है, मैं भी उसमें से ही। श्री कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और कई सालों तक पिछड़े समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव उन्होंने लड़ाई लड़ी। चाहे उत्तर प्रदेश विधानसभा हो, चाहे देश की संसद हो, वो हमेशा दबे कुचलों का आवाज उठाते रहे, पिछड़ों का आवाज उठाते रहे। और उनका कमिटमेंट श्री राम जन्मभूमि के लिए हमेशा रहा। जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ उसी दिन मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि
कि मेरा स्वप्न पूरा हो गया, मेरे जीवन का ध्येय पूरा हो गया। ये बड़े दुख की बात है कि आज कल्याण सिंह जी हम सबके बीच में नहीं रहे हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उनके जाने से एक बहुत बड़ी रिक्तता बनी है और एक लंबे समय तक ये रिक्तता को भर पाना मुझे संभव नहीं लगता है। प्रभु इस दुख की घड़ी में उनके चाहने वालों को और उनके परिवारजनों को ये आघात सहन करने की शक्ति दें और श्री कल्याण सिंह जी की आत्मा को शांति दें। अमित शाह को आप सुन रहे थे, रामविलास वेदांती जी हमारे साथ जुड़े हुए। सर माफी चाहता हूं बीच में आपको रोकना पड़ा, लेकिन आप अपनी बात पूरी कीजिए। किस तरीके से पूरे संघर्ष को आपने ना सिर्फ उनके साथ किया बल्कि देखा भी, जो राम जन्मभूमि को लेकर था? राम जन्मभूमि आंदोलन में कल्याण सिंह की प्रथम भूमिका थी। हमारे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक सिंघल जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलते थे और जहां कहीं भी मीटिंग होती थी पूरे देश में, चाहे दिल्ली में हो, चाहे लखनऊ में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में। मुझे याद है एक बार कल्याण सिंह के साथ जम्मू कश्मीर जाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था और बहुत बड़ी सभा थी जम्मू के अंदर, जिसमें कल्याण सिंह ने जो भाषण दिया वहाँ के मुसलमानों को भी अच्छा लगा। कल्याण सिंह ये चाहते थे कि अयोध्या में जहाँ रामलला विराजमान है वहाँ भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण हो, अयोध्या के बाहर कहीं भी मुसलमानों के लिए मस्जिद का निर्माण हो। मुझे ऐसा लगता है कल्याण सिंह ने जो भविष्यवाणी किया था 87 में, आज वो भविष्यवाणी सत्य हो गई और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय मंदिर निर्माण के लिए सरकार बलिदान करना स्वीकार हुआ, लेकिन किसी राम भक्त को खरोंच ना आने पाए। यहाँ तक उन्होंने जो कदम उठाने का साहस दिखाया है, राम जन्मभूमि मंदिर के साथ बाबूजी भी सदा अमर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी मंत्री के तौर पर उन्होंने जो अपने इस कार्यकाल में एक आदर्श स्थापित किया है, वो आज भी हम सब सरकार में हैं, आज भी उनके द्वारा दिखाया गया रास्ता ही हमारे प्रेरणा का केंद्र है, हमारे वो आदर्श हैं। मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने अपना मुख्यमंत्रित्व का पदवी छोड़ दिया। ऐसे यशस्वी जननायक जिन्हें हम बाबूजी के नाम से जानते थे, आज उनके निधन का समाचार सुनकर के सभी संतों में शोक की लहर छा गई। आज हम सब के बीच में आदरणीय कल्याण सिंह जी नहीं रहे, उनके आत्मा की शांति के लिए हम सब संत महात्मा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका परिवार इस शोकाकुल में भगवान उन्हें बल दे, आत्मबल दे, इस कठोर दुख को सहन करने में सती प्रदान करें। हम सब संत महात्मा आदरणीय कल्याण सिंह को इसलिए मानते थे, हमेशा मानते रहेंगे, कि उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए कभी समझौता नहीं किया। इसलिए आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं, तमाम लोग ऐसे व्यक्ति थे जो उनसे मिलने गए और आदरणीय कल्याण सिंह जी संतों के बहुत प्रेमी थे। एक बार पुनः उनके निधन पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद दुख प्रकट करता है। तो एक एक कर कल्याण सिंह जी के लिए लगातार शोक संदेश आ रहे हैं और हम आपको दिखा भी रहे हैं, उनकी जीवनी के बारे में बता रहे हैं और उनके काम के बारे में भी बता रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं फौरन। तो कल्याण सिंह का निधन हुआ है और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में उन्हें एक ऐसे नेता के तौर पर याद किया है जिसने समाज के तमाम वर्गों को साथ लेकर चलकर उन्हें आगे लाने का काम किया। कल्याण सिंह जी के निधन से दुखी हूं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। कल्याण सिंह जी राजनेता, अनुभवी प्रशासक,
जमीनी स्तर के नेता और महान इंसान थे। उत्तर प्रदेश के विकास में उनका अमिट योगदान है। उनके पुत्र श्री राजवीर सिंह से बात की और संवेदना व्यक्त की। शांति। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया है। श्रद्धांजलि देते हुए और उन्हें याद करते हुए प्रधानमंत्री ने ये तमाम बातें अपने ट्विटर हैंडल के जरिए देशवासियों को बताई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। निधन के बाद अब उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि उनके लखनऊ में उनके आवास पर उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया है। और तस्वीरों में हम देख रहे थे कि खुद मुख्यमंत्री जब पार्थिव शरीर अस्पताल से निकल रहा था तो वहाँ पर मौजूद थे। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अब तमाम जो उनके चाहने वाले, उनके सहयोगी, सपोर्टर और साथ ही वरिष्ठ नेता हैं उत्तर प्रदेश के, वो लखनऊ में इस वक्त मौजूद हैं जहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जा रहा है। लोगों के दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। जाहिर सी बात है कि जो लोग उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, अंतिम दर्शन उनका करना चाहते हैं, वो यहां आकर उनका अंतिम दर्शन कर सकते हैं, उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। 3 जुलाई को सांस लेने में तकलीफ हुई थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा था और तब से लगातार वो बीमार चल रहे थे, उनका इलाज चल रहा था और आज आखिरकार उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनकी यादें हमेशा ताज़ा रहेंगी उनके चाहने वालों के दिलों में और साथ ही पूरी एक अध्याय जो उन्होंने लिखी है, उस पूरे अध्याय को लोग याद करेंगे। राम जन्मभूमि विवाद पर वो बेबाक बोलते थे। वो कहते थे कि उन्हें बाबरी मस्जिद के विध्वंस पर कोई पछतावा नहीं है। वो खुलकर अपनी बात कहने वाले नेता थे, डटकर अपने रास्ते पर चलने वाले नेता थे। एक ऐसे नेता थे जो न सिर्फ रास्ता बनाते थे बल्कि उस रास्ते पर चलते भी थे और दूसरों को चलने के लिए प्रेरित भी करते थे। एक तरीके से एक युग का अंत आप कह सकते हैं। राजनीति में एक युग का अंत हो गया और जैसा कि गृहमंत्री ने कहा कि उनकी कमी बीजेपी को खलेगी और एक स्थान ऐसा खाली हुआ है जिसको भरा नहीं जा सकता कल्याण सिंह जी के जाने की वजह से। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, उन्हें याद किया है, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनसे मुलाकात करने जब खबर मिली कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो उनसे मुलाकात करने के लिए 2 बार पहुँचे। अपने तमाम कार्यक्रमों को रद्द करके सीएम पहुँचे मुलाकात करने के लिए। और अब से कुछ देर पहले कल्याण सिंह जी ने आखिरी सांस ली। लखनऊ पीजीआई में उनका निधन हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटें।